स्कॉलर राइट्स, एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 मीट्रिक यूनिट। टुडे वी विल डू वर्क बुक पेज नंबर 21। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन देयर। 35 किलोग्राम 2 ग्राम, दिस इज क्वेश्चन गिवन टू यू। सो वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड देन 35 किलोग्राम विल बी 35 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, 35000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट इज 35 किलोग्राम टू mg, mg मीन्स मिलीग्राम। एज वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड इन 1 ग्राम हाउ मेनी मिलीग्राम आर देयर, 1000 अगेन। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 mg इन प्लेस ऑफ ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग दिस, हाउ मेनी जीरोज आर हेयर, 6 जीरोज एंड देन दिस 6 जीरोज एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, दीज आर mg मिलीग्राम। ओके, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू दिस मिलीग्राम, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000। ओके, नाउ 35 मल्टीप्लाई बाय 1000,000 mg, देन 35। ओके, सो काउंट दिस, 1, 10, 100, 1000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, वट इज आर आंसर, 3,50,00,000 mg। ओके, सो दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, डोंट थिंक दैट दिस इज वेरी बिग मल्टीप्लीकेशन। हाउ मेनी जीरोज आर हेयर, 6 जीरोज, रिटर्न 6 जीरोज एंड देन बट इज लेफ्ट, 35 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, देन 35 मल्टीप्लाई बाय 1 वी आर गेटिंग 35, इज सिंपल, दिस इज mg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गोइंग बिग टू स्मॉल यूनिट। ओके, 35 किलोग्राम टू cg, cg मीन्स सेंटीग्राम। नाउ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1, अब इन प्लेस ऑफ ग्राम बट वी विल राइट, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीग्राम, c मीन्स 100 सेंटीग्राम। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 cg, देन वट वी आर गेटिंग, 1 एंड हाउ मेनी जीरोज, 3 एंड 2, 5 जीरोज, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जीरोज एंड वट इज लेफ्ट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो वी आर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 35 मल्टीप्लाई बाय 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, 1,00,000। ओके, 35 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 इज इक्वल टू 35,00,000 cg सेंटीग्राम। ओके, नेक्स्ट इज 35 किलोग्राम टू डीजी, डीजी मीन्स cg मीन्स सेंटीग्राम, डीजी मीन डेसीग्राम। ओके, डी मीन्स वी विल मल्टीप्लाई विद 10, बट फर्स्टली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम, डेसीग्राम। ओके, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ 1000 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, साथ में ये जो आया है वो साथ में डिजिट, अब इन प्लेस ऑफ ग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 ग्राम में कितने डीजी होते हैं, 10, मल्टीप्लाई बाय 10 डीजी। ओके, सो वी आर गेटिंग हाउ मेनी जीरोज, 4 जीरोज एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, सो दिस 10,000 डीजी। नाउ 35, क्वेश्चन वाज 35 केजी थ्रू डीजी, नाउ 35 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डीजी, सो वी आर गेटिंग 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, 3,50,000 डीजी। सो दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ, दिस इज स्मॉल टू बिग यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट 85 किलोलीटर इंटू सेंटीलीटर। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 85 किलोलीटर टू सेंटीलीटर एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 85 किलोलीटर टू लीटर, दिस इज क्वेश्चन। पहले CL में चेंज करना है 85 किलोलीटर को, फिर 85 किलोलीटर को लीटर में करना है, फिर मिलीलीटर में करना है, फिर डेसीलीटर में करना है। ओके, वी नो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, अब हमें तो चाहिए CL, हमें पता है 1 लीटर में कितने CL होते हैं, 100। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 CL वी आर गेटिंग 5 जीरोज एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, सो 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, 1,00,000 CL। नाउ 85 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 CL इज इक्वल टू 85,00,000 CL। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट इज 85 किलोलीटर टू लीटर, अब 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। नाउ दिस इज डायरेक्ट 85 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर इज इक्वल टू 85,000 लीटर। नेक्स्ट थर्ड वन इज 85 किलोलीटर टू मिलीलीटर, सेम क्वेश्चन है, 85 किलोलीटर को ही चेंज कर रहे हैं हम, पहले किस में किया, सेंटीलीटर में, फिर लीटर में, अब मिलीलीटर, एम मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई होगा, बट हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, अब किलोलीटर से हम कहाँ जाते हैं, पहले लीटर में जाना पड़ेगा, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब हमें पता है कि लीटर की जगह हम क्या करेंगे, 1000 मिलीलीटर, और ये 1000 तो आया साथ में, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर,
Now this we are getting 6 zeros and 1 milliliter. Now 85 multiply by 1 tens 100 thousand 10 thousand lakh 10 lakh means this is 10 lakh milliliter. 85 multiply by 10 lakh milliliter. So how many zeros are here? 6 zeros are written there, and 1 multiply by 85 is equal to 85 milliliter. Okay, this is your answer. Next last one is 85 kiloliter to dl. अब d का मीनिंग आपको पता है कि 1 लीटर में 10 dl होते हैं, बट हमें किलो लीटर का हमें नहीं पता. ओके, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे. 1 किलो लीटर इज इक्वल टू हमें ये पता 1000 लीटर. अब 1000 लीटर अब हमें फिर से पता है कि 1 लीटर में कितने डेका लीटर आएंगे, डेसी लीटर आएंगे 10. ओके, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डेसी लीटर, देन वी आर गेटिंग दिस 1 and 4 जीरोज डेसी लीटर मीन्स 1s 10s 100 1000 10000 10000 डेसी लीटर. सो 85 मल्टीप्लाई बाय 10000 डेसी लीटर, then what we are getting, how many zeros, 4 zeros and 85 multiply by 1 is equal to 85. Okay, now 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 8,50,000 deciliter our answer. Okay, have you got it? So try to do these questions at home.